मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाली वीर नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हमें ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथाओं को जानने का अवसर मिला जो अब तक गुमनाम थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। वक्त की एक परिस्थिति थी, देश की आज़ादी के लिए लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, यहाँ तक के बलिदान दिए, लेकिन ये भाव नहीं था कि हमारा कहीं जिक्र होना चाहिए, रिकॉर्ड पे दर्ज होना चाहिए कि देश की आवश्यकता थी, देश आज़ाद होना चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ये एक लक्ष्य था और उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देने के बाद उस लक्ष्य को हासिल किया। और ख़ास तौर से जो ऐसे लोग थे जो लोगों से मिलते भी कम थे, यानी कि भीड़ में कम होते थे, लेकिन उसके बावजूद दूर दराज के इलाके में, ट्राइबल के इलाके में भी अपना योगदान स्वतंत्रता के लिए दे रहे थे। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के पूरे देश भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला बनाई है, उसमें इसको भी जोड़ा है कि जो हमारे ट्राइबल के इलाके में भी स्वतंत्रता के उस आंदोलन में जो योगदान देने वाले लोग थे, जिनके बारे में देश दुनिया को बहुत कम जानकारी है, वो जानकारी कैसे और ज़्यादा बेहतर ढंग से हम निकाल सकें ताकि हम उनको भी स्मरण कर सकें, उनके योगदान को भी हम स्मरण कर सकें जिन्होंने उस हालात में भी देश की आज़ादी के लिए काम किया है। तो उस दृष्टि से ये कार्यक्रम है और मुझे इस बात की खुशी है कि ट्राइबल के बहुत सारे जो लोग उसमें अपना योगदान दिए हैं उनमें से बहुत सारा जिक्र जो आज की प्रदर्शनी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से योगदान दिया है और इसको और संकलित करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में भी उस दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे कि भी कि इस तरह का इतिहास जहाँ जहाँ से हमको हासिल होता है उसको संकलित करके उसको इतिहास में कैसे आने वाले समय में रिकॉर्ड पर लाया जाए।